हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि विजिटिंग कार्ड कैसे बनाएं। ये मुझे एक लाइव प्रोजेक्ट मिला हुआ है, कस्टमर का है। मैंने इसको बना लिया था तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो भी लाया जाए, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि इस तरह के जो अगर विजिटिंग कार्ड बनवाने कोई आता है आपसे, तो आप उस तरह के विजिटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विजिटिंग कार्ड की साइज़ मैंने ले लिया है 3.5 वर्स एंड 2.2। तो आप ये देख रहे हैं ये पीछे का बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड नेट से डाउनलोडेड है। आप जैसा चाहे वैसा बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर मैं ये बैकग्राउंड लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कीजिए, फिर इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करिए, फिर सी दबाइए, एक सेकेंड, ओके, सी दबाइए, ये इसके सेंटर में आ गया, और ई दबाइए, इसने इसको कवर कर लिया, ओके। अब इसकी आप आउटलाइन को जीरो कर दीजिए, ठीक। कंटेंट आप लिख ही लेंगे सेम टू सेम। कंटेंट कैसे लिखना है, आपने कंटेंट लिख लिया। अब ये सूर्य प्राय डेकोर में जो इफेक्ट आया ये कैसा आएगा, तो इसके लिए मैं टाइप कर लेता हूं। अप्लाई एंड डेकोर, ओके। अब हम एक अच्छा सा फॉन्ट ले लेते हैं इसके लिए, यही फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। हमने ये फॉन्ट ले लिया, इसको अपने हिसाब से आप बड़ा कर लें। शिफ्ट दबा के जब ये कॉर्नर पकड़ के आप खींचेंगे तो ये बराबरी में छोटा बड़ा होगा, अदरवाइज ऐसे एक तरफ की तरफ ही ज़्यादा फायदा। अब इसको अपने हिसाब से सेट कर लें, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसका पहले आप एक कॉपी कर लीजिए। मैंने प्लस बटन दबाया है, प्लस बटन से कॉपी आया था, मैंने कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस पर शेडो इफेक्ट देंगे। तो शेडो इफेक्ट पे जाएंगे, टॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे और एक शेडो इफेक्ट देंगे। शेडो इफेक्ट आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, ज़्यादा चीज ज़्यादा कर लीजिए। अब क्या करना है, आप इस पर्टिकुलर पार्ट को वाइट कर देंगे, और वाइट करने के बाद फिर एक शेडो इफेक्ट दे देंगे इसी पे, ओके। अब आप इसको उठाएंगे और इस पर ड्रैगन ड्रॉप करेंगे, तभी आप देख रहे हैं इस पर हल्का सा ये ब्लैक आउट आएगा, वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये जो ऊपर किए हैं इसको एक टैब नीचे, एक टैब साइड में, मतलब उस लेटर से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा दीजिए शेड इफेक्ट को, जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से। तो जैसा आपको ठीक लगे, ये फॉन्ट का है, अगर उस फॉन्ट में लेता तो कुछ और इफेक्ट आपको देखने को मिलता कुछ और। यहाँ पे ये सब कर लीजिए, लिखने में ये पार्ट है आप लिख सकते हैं नॉर्मली, कॉपी करके मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इमेजेस, ये इमेजेस नेट से डाउनलोडेड है, लेकिन इनके बैकग्राउंड्स थे, तो मुझे पर्टिकुलर क्या करना था कि इनके बैकग्राउंड्स को डिलीट करना था, वो मैंने कर दिया है ऑलरेडी। ये बैकग्राउंड कैसे डिलीट होगा कोरल ड्रॉ में, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप आई बटन के ऊपर आ रही होगी लिंक,
उस पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस आप एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, थोड़ा छोटा करके इसमें फिल कर लीजिए कलर। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, पेज अप करना होगा, शिफ्ट दबा के जब पेज अप करेंगे तो लिखा हुआ चीज ऊपर आ जाएगा। अब इसको सेंटर करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सी दबाएंगे, ई दबाएंगे तो सेंटर। तो इस तरह से एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड आप कैसे बनाएंगे, इसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, इसकी बहुत ज़रूरत है। और आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरा आने वाला वीडियोस भी देखेंगे। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।